सर। ग्रेस वैली इज अमेजिंग, इसका टूरिज्म पोटेंशियल अमेजिंग है। अगर इसको टेप किया जाए, अगर सरकार वाकई सीरियसली ग्रेस वैली की तरफ तवज्जो दे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा तवज्जो दे, मुझे लगता है कि ये एक नई ऐसी इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन उभर के आएगी जो स्विट्ज़रलैंड के पैटर्न पे हो सकती है और उसके मुकाबले में हो सकती है। यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब आप देख लेंगे, स्पोर्ट्स टूरिज्म का पोटेंशियल है यहाँ पे, विंटर स्पोर्ट्स टूरिज्म का पोटेंशियल है यहाँ पे, जो समर्स में ज़बरदस्त खूबसूरती है उसका पोटेंशियल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि सरकार थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, जो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशानियां ग्रेस के लोगों को फेस करना पड़ती हैं, विजाविज कनेक्टिविटी, विजाविज बिजली, विजाविज पानी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आज के अरीना में ग्रेस अभी भी इन चीज़ों से महरूम है, जबकि ग्रेस से 300 मेगावाट का पावर आप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ग्रेस को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। दिस इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा बड़ा इनजस्टिस है इन लोगों के साथ। आई सपोज इस इनजस्टिस को दूर करने से ही शायद ग्रेस में तरक्की के दौर खुल सकते हैं और यहाँ की गुर्बत दूर हो सकती है, यहाँ का अंधेरा और अंधेरापन दूर हो सकता है। आपको कोशिश करनी है, गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि इस एवेन्यू को एज टूरिज्म एवेन्यू नया टूरिज्म मैप पे लाएं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए ज़रूरी है उसकी तरफ तवज्जो दें। पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव और अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत महसूस ना हो।